नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड व झांसी बीघा खेत टोलवे लिमिटेड की समाज सेवी संस्था क्यूब रूट्स फाउंडेशन द्वारा आज झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड के परियोजना प्रमुख अनिल कुमार शर्मा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना में मरीजों व नर्सों को गर्मी से बचने के लिए 1.5 टन का एसी अधीक्षक अंशुमन तिवारी को प्रदान किया गया, जिसमें टोल प्लाजा मैनेजर अभिषेक कुमार सिंह, राहुल पहरिया व मानव संसाधन विकास से माधव दीक्षित व अन्य कर्मचारी गण मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि पिछले महीनों क्यूब रूट्स फाउंडेशन से आए अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना में जाकर चिकित्सा अधिकारी व मरीजों से मुलाकात की थी, जिसमें मरीजों को होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा गया था, जिसमें चिकित्सकों ने बताया था कि मरीजों को गर्मी से बचने के लिए एसी लगवाने की आवश्यकता है। जो झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड की समाजसेवी संस्था क्यूब रूट्स फाउंडेशन द्वारा आज परियोजना प्रमुख अनिल कुमार शर्मा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बबीना को प्रदान की गई, जिसमें हॉस्पिटल व टोल प्लाजा के कर्मचारी गण मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। आदरणीय बबीना अधीक्षक जी से हम मिले थे और हमने आग्रह किया था कि अगर आपके बबीना स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह की कोई असुविधा महसूस कर रहे हैं जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो हमने इनसे मीटिंग की थी। तो साहब ने हमें बताया कि यहाँ पे जो इनका डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके रूम में बहुत गर्मी रहती है और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमने 1.5 टन का एक एसी वोल्टास का अभी अधीक्षक जी को हमने हैंड ओवर किया है। यह कार्य हमारी क्यूब रूट्स फाउंडेशन की तरफ से किया गया है और हमारे टॉप मैनेजमेंट की प्रेरणा से किया गया है। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।